ज्ञान ध्यान गान स्वाभिमान का अद्भुत समन्वय यानी आर्ट ऑफ लिविंग के प्रणेता श्री श्री रविशंकर जी। ऐसे तेजोमय सद्गुरु के नजदीकी शिष्य श्री महेश गिरी जी में भी है श्री श्री रविशंकर जी की विशेषताएं। आज वासद स्थित आर्ट ऑफ लिविंग गुजरात आश्रम में अनेकों युवा को दे रहे हैं वे आध्यात्म ज्ञान। अध्यात्म की ओर जब हम निकल पड़ते हैं तो वातावरण के साथ साथ राह भी खूबसूरत हो जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ हमारी टीम के साथ। जब वडोदरा से 27 किलोमीटर दूर वासद के पास अंकलवाड़ी में बने विशाल आर्ट ऑफ लिविंग गुजरात आश्रम की ओर उन्होंने जाने के लिए प्रस्थान किया। राह में आए डाकोर यात्राधाम और रणछोड़राय मंदिर जाने के मार्ग यानी अध्यात्म की ओर जाने की शुरुआत हो चुकी थी। आर्ट ऑफ लिविंग गुजरात आश्रम अंकलवाड़ी पहुंचते ही जैसे तन मन तृप्त हो गया। मही नदी के किनारे विशाल क्षेत्रफल में फैले आश्रम में हरियाली ही हरियाली है और है शांति जो मन को तमाम चिंताओं से दूर कर देती है। स्कंद पुराण में उल्लेख है कि इस भूमि पर ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी को दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ था। यह आश्रम फरवरी 2000 में स्थापित हुआ। तब से लेकर आज तक अनेकों श्रद्धालु यहाँ आकर योग के जरिए स्वयं को समझ पाए हैं। यहाँ पर मेडिटेशन कुटीर है। इस दिव्य स्थल का संचालन कर रहे हैं श्री महेश गिरी जी। 16 साल की उम्र में ही ग्रह त्याग कर अध्यात्म और आत्मज्ञान की खोज में निकल पड़े महेश गिरी जी ने हिमालय के साधु संतों से स्वभावगत जिज्ञासा वृत्ति से प्रेरित होकर ज्ञान पाया। एक हिमालयन गुरु थे स्वामी जीवानंद, उनके संपर्क में मैं आया और 16 साल की उम्र में उन्होंने कहा कि ऐसे कई योगी हिमालय के अंदर है और उनके साथ योग का अभ्यास करते करते तुम खुद स्वयं जवाब बन सकते हो। चाहे कोई भी प्रश्न हो उसका जवाब स्वयं तुम बन सकते हो, क्योंकि जब योग के पथ पर ज्ञान के पथ पर आते हैं तब प्रश्न नहीं उठते, आश्चर्य होता है सिर्फ। वासद के अंकलवाड़ी स्थित आश्रम में वैदिक युग को तादृश करती यज्ञशाला है जिसमें होते होम यज्ञ यहाँ के वातावरण में सकारात्मकता भर देते हैं। गौ संवर्धन भारतीय वेदकालीन परंपरा है। इस आश्रम की गौशाला में 50 से 60 स्वच्छ व स्वस्थ गायें हैं जिसकी यहाँ के सेवक सेवा करते हैं। यहाँ आते मुलाकातियों और मेहमानों के लिए नाड़ी देखकर आयुर्वेदिक इलाज भी होते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग के अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षक श्री महेश गिरी जी 1995 में 25 वर्ष की आयु में जूनागढ़ के गिरनार पर दत्तात्रेय चरण पादुका पर स्थित दत्तपीठ के पीठाधीश नियुक्त हुए। फिर भी मन उलझनों में ही था, आर्ट ऑफ लिविंग के प्रति भी शंका कुशंकाएं थी, परंतु 2002 में वे पूर्णतया श्री श्री रविशंकर जी को समर्पित हो गए। पूज्य श्री श्री रविशंकर जी का आर्ट ऑफ लिविंग का अनुभव हुआ मुझे तब इतना सहज और इतना सरलता कि आप अपने श्वास के माध्यम से अपने स्व तक पहुँच सकते हैं, उस आत्मज्ञान की तरफ बढ़ सकते हैं। तो ये सुनकर मैं आकर्षित हुआ और मैंने ये शिविर की सुदर्शन क्रिया, तो मेरी 14-15 साल की जो साधनाएं थी, जो अलग अलग साधनाएं मैं करके आया, मैं आपको सच कहता हूँ वो केवल एक सुदर्शन क्रिया के माध्यम से वो अनुभव मैंने कर लिया था जो 14 साल के अलग अलग साधनाओं से मुझे नहीं हुआ था। उन्होंने बताया मंत्रनाद का महत्व। मंत्रनाद का एक ही मंत्र है कि एक दूसरे की तरफ उंगलियां दिखाने के बजाय एक दूसरे की उंगलियां पकड़कर हम देश के लिए कुछ करें, देश के विकास के लिए कुछ करें, मंत्रनाद यही है। वे कहते हैं करप्शन आतंकवाद के लिए अध्यात्म टीकाकरण का काम करता है। स्पिरिचुअलिटी इज अ वैक्सीनेशन फॉर टेररिज्म एंड करप्शन। इस देश से यदि आतंकवाद और ये भ्रष्टाचार को दूर करना है तो अध्यात्म को लाना बहुत जरूरी है। यदि अध्यात्म को हम बिजनेस से अलग करते हैं तो शोषण को जन्म मिलता है, यदि हम राजनीति से अध्यात्म को अलग करते हैं तो अराजकता को जन्म मिलता है, और यदि धर्म से अलग करते हैं अध्यात्म को तो आतंकवाद को जन्म मिलता है। ये पूज्य श्री श्री रविशंकर जी ने यूरोपियन पार्लियामेंट में कहा था। तो आर्ट ऑफ लिविंग का एक प्रयास है कि चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो वहाँ उसकी पृष्ठभूमि अध्यात्म होनी चाहिए, क्योंकि यदि हम मूल्यों के साथ नहीं चलेंगे तो कभी भी हमें दूसरों के साथ अपनापन अनुभव नहीं होगा। भ्रष्टाचार को नथने संविधान में व्यवस्था न होने की बात कहते हुए उन्होंने की आर्ट ऑफ लिविंग गुजरात आश्रम की विशेषताओं की बात। वासद आश्रम बहुत सुंदर आश्रम है, आप देख ही रहे हैं यहाँ पर तरह तरह के योग शिविर होते रहते हैं, और नारद भगवान का उल्लेख है स्कंद पुराण में कि वहाँ यहाँ उन्होंने 1000 वर्ष तक तपस्या की थी
और उनको एनलाइटनमेंट, ब्रह्म ज्ञान भी यहीं पर प्राप्त हुआ, तो ये भूमि वैसे ही बहुत दिव्य भूमि है। तो यहाँ जो कोई भी कदम रखता है, कदम रखते ही उसे एक आह्लादक अनुभव होता है शांति का। और इस आश्रम में कई हमारे योग शिविर के कार्यक्रम चलते हैं, कई तरह के गाँव में रूरल डेवलपमेंट के काम चलते हैं। अभी यहाँ पर रूरल TTC चल रही है, यानी रूरल टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो गाँव को किस तरह से हम विकसित बना सकते हैं, यहाँ पर हमारी गौशाला है जो गौ संवर्धन का काम चलता है। फिर आसपास के गाँवों में हमारे कई तरह के महिलाओं की विकास के लिए कई प्रोग्राम चलते हैं, बच्चों के प्रोग्राम चलते हैं। तो ऐसी कई तरह के आश्रम के माध्यम से हम सेवा कार्य करते हैं। बिहार मेंटोर जिग्नेश बारोट सरल यूथ के लिए काम करते हैं। सरल टीचर ट्रेनिंग कोर्स के जरिए वे पहुंचाते श्री श्री रविशंकर जी के विचार ग्रामीण युवकों तक। वैसे तो कॉमन रूट्स जो हमारे भारत की जो संस्कार है वो तो सेम है, पर ऐसा लगता है कि उन दोनों का जो इंटरेक्शंस है वो बहुत कम हो रहा है अभी धीरे धीरे। और जो रूरल यूथ से उनको अर्बन की तरफ बड़ा खिंचाव हो रहा है, पर वो प्राइड रहना चाहिए, चाहे रूरल हो चाहे अर्बन हो, पर वो प्राइड जो है ना वो कहीं मिस हो रहा है। तो वो गुरुजी वापस ला रहे कोर्सेज द्वारा। यहाँ पर ग्रामीण ही नहीं वरन देश के विविध राज्यों व शहरों से युवा वर्ग आर्ट ऑफ लिविंग का एडवांस कोर्स करने आते हैं और अपने आप में निजानंद पा लेते हैं। वे कहते हैं यहाँ पर सीखा गया योग उन्हें जीवन में बहुत उपयोगी होता है। वन थिंग इज यू गेट हैप्पीनेस एवरीवेयर, बीट पब बीट आश्रम, बट हियर द काइंड ऑफ फीलिंग दैट यू गेट इज रियली अमेजिंग एंड वेरी पीसफुल दैट यू विल नेवर गेट एट पब, यू नो, समथिंग दैट यू गेट हियर यू विल नेवर फाइंड एनीवेयर। So this is the best place I feel on the earth. Energy in the sense meditation techniques that we do over here, you know, it really helps me with my studies and all, you know, yoga ho gaya, padma sadhana ho gaya, choti choti little things like surya namaskar, when I do those sort of exercises, it really helps me. Kuch aisa hai jo humme kam hai, kuch aisa hai jo hum jante hai ki hum isse zyada kuch kar sakte hai, but kuch reh jata hai ki ha yaar kuch kam hai, 2 ghante ki padhai hum एक हफ्ते में करते हैं या 5 घंटे में करते हैं, तो उसको रिड्यूस कैसा करना है। दिस इज ऑल अबाउट स्पिरिचुअलिज्म। जनरली पीपल हैव दिस रॉन्ग इमेज ऑफ आश्रम इज फॉर पीपल वेयरिंग वाइट एंड ऑल दैट, बट यू शुड रियली इनवाइट एवरीबडी टू कम टू एनी ऑफ द आर्ट ऑफ लिविंग आश्रम्स। वी हैव आवर मेन आश्रम इन बैंगलोर, दिस इज लाइक मिनी वर्जन ऑफ द मेन, इट्स एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, एंड इफ यू कैन रियली स्पेंड लॉट्स ऑफ टाइम हियर देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाई मेनी मोर यूथ शुड कम हियर एंड हैंग आउट। श्री महेश गिरी जी आर्ट ऑफ लिविंग का जैसे गुजरात में पर्याय बन गए हैं। उनमें प्रभावशाली आकर्षक नेतृत्व, मंत्र मुक्त करती वाणी, अंतर्मन को जागृत करने वाला अद्भुत सामर्थ्यवान व्यक्तित्व और युवा पीढ़ी के रोल मॉडल के उनमें दर्शन होते हैं। Shut up.